Angels on Wheels. Angels on Wheels on FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. You tune into FM 95 Radio 1. Mera naam hai Ayush, and I know thousands of people got inspired by our conversation yesterday with Rajvi Gosalia, and she told us about this NGO jiska naam hai FA International. Aur abhi maine unke founder director ko studio pe bulaya hai. Her name is Mrs. Pooja Sanghvi. Welcome to the show. Thank you. Kaisa raha aapka safar yahan studio tak? Acha raha. Aap hamare listeners ko apne bare mein kuch batayenge? हमने जब शुरू करा था तब बहुत कम लोगों से शुरू करा था. एज राजवी टोल्ड यस्टरडे के 2006 में हमने स्टार्ट करा था, तब हम सिर्फ 4 मेंबर थे और हमारा यही था कि डिजेबल्स को घर से बाहर निकाले, उनको एक ऐसा एनवायरमेंट दे जो नॉर्मल पब्लिक एंजॉय करती है, क्योंकि एनजीओस तो काफी है जो हर तरह से व्हील चेयर क्रचिस और ऐसा सब देते, लेकिन एंटरटेनमेंट कोई नहीं देता है. तो हमको ऐसा चाहिए था कि ये लोग जो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते, उनको ऐसा फील नहीं हो कि हम नॉर्मल नहीं है, उनको ऐसा लगे नॉर्मल एंजॉय करते हैं तो हम भी एंजॉय करते हैं. तो उसके लिए हमने ये एवरी संडे मिलना शुरू करा था, और आज जितने भी हमको इवन रोड पे डिजेबल्स मिलते थे तो हमको रोकते थे, उनको हमारे एनजीओ में ऐड करते थे, और फिर एवरी संडे हम सब इकट्ठे होते थे, जबरदस्ती ऐड करते थे. जबरदस्ती हम ले आते थे उनको, उनको बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे आप एक बार आइए, और ये श्योरिटी रहती थी हमको कि एक बार वो आएंगे दूसरी बार वो खुद कॉल करके हमारे पास आएंगे. और ऐसा ही होता था क्योंकि हम एवरी संडे कुछ ना कुछ ऐसा प्लान आउट करते थे, कभी आउटिंग कर रहे और साथ साथ में हम दूसरी एक्टिविटी भी करते हैं. वो आउटिंग एक्चुअली आउटिंग नहीं है, पर हमारा काम करने का एक जरिया है. हम ऐसी जगह पर जाते हैं जो एसेसिबल नहीं है और वहाँ जाकर डिमांड करते हैं इसको एसेसिबल बनाइए. क्यों हम नहीं आएंगे क्या मूवी देखने? मैं अभी आई हूँ आपके स्टूडियो में, मैं नहीं आऊंगी, इसको भी एसेसिबल कराइए. तो हर एक चीज हम चाहते हैं कि एसेसिबल होनी चाहिए. आई वुड लाइक टू टेल आवर लिसनर्स के पूजा जी जिस व्हीलचेयर में आए थे वो व्हीलचेयर काफी बड़ी थी, हमारा दरवाजा काफी छोटा है स्टूडियो का, एंड द व्हीलचेयर कुड नॉट कम इनसाइड द स्टूडियो, बट हैट्स ऑफ टू पूजा जी जिन्होंने तकलीफ करके उन्होंने हमारे चेयर पे वो शिफ्ट हुए, और उसके बाद में शी इज राइट नाउ गिविंग द इंटरव्यू. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मैं आज ही बात करूंगा कि हमारा दरवाजा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए. नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए, हमारे लिए तो यही रिवॉर्ड होगा कि हर एक जगह एसेसिबल करवा दीजिए. हाँ, क्योंकि अगर एसेसिबिलिटी होगी तो ये जो आप वुमन एम्पावरमेंट कह रहे हैं वो अभी जो है उससे 10 गुना ज्यादा हो जाएगा. The inspiration to continue on FM 95 Radio 1. Angels on Wheels. Angels on Wheels on FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. Our conversations continue with Pooja Sanghvi, founder director of FA International. Pooja ji, aapne women empowerment ke bare mein baat kari. Hamare isme bhi females hai, wo bhi kaam karna chahti hai, padhna chahti hai. Sabse pehle to padhai aati hai, jo possible nahi hai kyunki school colleges bilkul accessible nahi hai. Maine khud graduation kara hai, to maine BA in economics kara, par mujhe kitna tough padha karne mein, kyunki school colleges mein to ja nahi sakte. Maine schooling kari jisme principal bahut acche the to class niche late the, lekin college maine external padha kyunki koi college aisi nahi hai जो एसेसिबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर एक कॉलेज में एडमिशन ही नहीं देते, डिजेबल लोगों को इजीली एडमिशन नहीं मिलता, बोलते स्पेशल स्कूल्स में जाइए, स्पेशल कॉलेजेस में जाइए. क्यों जाएं? क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं? हम भी नॉर्मल है और आपके बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, हमको तो कुछ ऐसा फील नहीं होता कि वो हमसे अलग है, तो हमको क्यों फील कराया जाता है कि हम अलग है? तो फिर वो एसेसिबिलिटी की प्रॉब्लम थी. अच्छा, हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम जॉब कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस को एसेसिबल करिए, उसके बाद ये हो जाएगा तो जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर वालों को तो ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही एसेसिबल नहीं है. हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट करती है तो पूरा नहीं करती. अच्छा, वो बना देंगे, बस स्टॉप बना दिए, उसमें हम वो दे दिया कि भाई फ्री पासेस दे दिए, पर क्या वो बस एसेसिबल है? डिजेबल पर्सन चढ़ेगा किस तरह से उसके ऊपर? वो नहीं सोचते. तो हर एक जगह अगर यही चीज, जैसे कल राजवी ने बताया था कि उसको USA जाना है, यहाँ नहीं रहना. क्यों नहीं रहना? क्योंकि वो एसेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है. वहाँ पर आपको कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा डिजेबल जिसको किसी की जरूरत पड़े. मैं अगर आपके स्टूडियो आई हूँ तो मुझे मेरे भाभी को लेकर आना पड़ा, किसी को भी मुझे लेकर आना पड़ता. क्यों? हम तो यही कहते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम. और हम जब भी प्रोग्राम रखते हैं, हम एवरी ईयर एक डिजेबल का स्पेशल गरबे का प्रोग्राम रखते हैं जहाँ ऑल ओवर गुजरात से आप समझ सकते हैं 700-800 लोग डिजेबल सिर्फ गरबा खेलने आते हैं, और हम उसको इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे एक
क्लब में ऑर्गेनाइज होता है विथ फूड डिनर एंड एंजॉय, मतलब पूरा पार्टी प्लॉट बुक करते हैं, ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, डीजे होता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। एवरी ईयर हम सिर्फ एक ही दिन रखते हैं और जब आप क्राउड देखेंगे तो आपको लगेगा नॉर्मल क्राउड भी आपको इतना नहीं मिलता जितना डीजेबल का क्राउड होता है हमारे पास। और तब भी हम यही मैसेज कन्वे करते हैं कि देखिए हमने हमारे बलबूते पर ये एक दिन एंजॉय करा, तो अगर आप अपने घर को, अपनी प्रीमाइसेस को, अपनी ऑफिसेस को हमारे लिए अगर एसेसेबल करें तो हम तो पूरी लाइफ ही एंजॉय करेंगे। बस ये हमारा मैसेज, यही हमको कन्वे करना है। The inspiration to continue on FM 95 Radio 1. Angels on Wheels. Angels on Wheels on FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. Our conversations continue with Pooja Sanghvi, founder director of FA International. मैं एज अ वुमन, मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं वुमन हूँ या मैं डिजेबल हूँ, नथिंग, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। मैं ये सोचती हूँ कि मैं नॉर्मल ह्यूमन बींग, मेरी स्टडीज मैंने कंप्लीट करी और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, इतना केपेबल बनाया मुझे। मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है, मैं ये सोचती हूँ कि वुमन या मेल क्यों कंसिडर करते हो, डिजेबल या नॉर्मल क्यों कंसिडर करते हो। आप कंसिडर करना है तो ह्यूमन बींग कंसिडर करिए, और एज एन ह्यूमन बींग हर एक को इक्वल राइट मिलता है। तो वो सोच बनाती है ना, तो वो सोच बनाने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर पे मेरे लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा कि मैं आज इतनी कैपेबल हूँ, पर हर एक के पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाते। अब उसमें वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। जरूरी नहीं कि हर एक कोई अफोर्ड कर सके। तो अगर इसमें हम नॉर्मल पब्लिक हर कोई थोड़ा थोड़ा सोचे कि भाई नहीं, चलो ये हमारे आसपास का, एटलीस्ट हमारे हाउसेज के आसपास का, हमारे ऑफिस के आसपास का, स्कूल कॉलेजेस के आसपास का, इतना सा अगर हम एनवायरमेंट एसेसिबल कर दे तो शायद हमें फॉरेन जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, और बहुत सारे लोग अभी रेडियो सुन के इंस्पिरेशन ले रहे होंगे और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़ना भी चाहते होंगे वो टाइम स्पेंड करने के लिए। जैसे पूजा जी ने कहा कि संडे मिलते हैं सब लोग, तो व्हाई डोंट वी गो डाउन देयर ऑन अ संडे एंड लेट्स स्पेंड सम अमेजिंग टाइम विद एवरीवन इफ यू अलाउ अस। श्योर, यू आर सो मच वेलकम, यू आर वेलकम टू दैट प्लेसेस। हम रिवर फ्रंट पे मिलते हैं, वस्त्रापुर लेक पर मिलते हैं, एवरी संडे हम लोग मिलते हैं। हाँ। और आप सही में एंजॉय करेंगे कि हम जिस तरह से मिलते हैं और जो एंजॉय करते हैं आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कभी एंजॉय नहीं करा। क्या बात है। तो कंसिडरिंग द सेक्रेड मीडियम ऑफ रेडियो राइट नाउ, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो भी रेडियो सुन रहे हैं वो जुड़ना चाहते हैं इसके साथ में। अगले संडे हम कहां पे जाने वाले हैं वो मैं पूजा जी से पूछूंगा और फिर मैं अपने फेसबुक पेज पर इसको ऐड करूंगा। और अगर अगर आप सही में ऐसा जानते हैं या फिर ऐसा मानते हैं कि देयर इज नथिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स अ मैन अ वुमन एंड एन एबल एंड अ डिसेबल, तो फिर आप मेरे साथ में जुड़ेंगे उस जगह पे और हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। The inspiration to continue on FM 95 Radio 1. Angels on Wheels. Angels on Wheels on FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. Our conversations continue with Pooja Sanghvi, founder director of FA International. पूजा जी, एक और ये जो आप बात लेके आए हैं अबाउट एक्सेसिबिलिटी के, फॉर पीपल हु कैन नॉट वॉक और पीपल हु कैन नॉट कम्यूट द वे दे वांट, इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट है BRTS की हम बात करें या फिर AMTS जो इतने सालों से चला आ रहा है एंड इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट, और अभी तो कुछ दिनों में आगे मेट्रो भी आ रहा है। सो हाउ हार्ड इज इट फॉर समवन हु कैन नॉट यूज दोज मीडियम, आप ट्रैवल कैसे करते हैं? अभी तो जैसे कार है या हमारा जो एक्टिवा है उस पे हम साइड व्हील लगाते हैं और व्हीलचेयर हमारे साथ रखते हैं क्योंकि हर जगह व्हीलचेयर भी अवेलेबल नहीं होती। ये चीजें हम लेकर हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। बाकी अगर हम ऐसा सोचे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ले तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए। अगर ट्रेन्स को ले ले तो ट्रेन में एक स्पेशल है कंपार्टमेंट जो स्पेशली डिजेबल का है, पर उसको देखिए आप उसमें चढ़ ही नहीं सकेंगे और नॉर्मल पब्लिक ही बैठी होगी उसमें, डिजेबल लोग तो मिलेंगे ही नहीं आपको, वो नॉर्मल पब्लिक उसमें चढ़ जाती है। रेलवे के उसमें जो भी है वो स्टाफ भी होता है, लेकिन डिजेबल पब्लिक को चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है उसमें। या तो वो रेंगते रेंगते जाए, क्रॉल करके जाए, घिसीटते जाए, पर क्यों वो हमारी डिग्निटी को हर्ट नहीं होता? क्यों जब आपने स्पेशल डिजेबल का डब्बा बनाया है तो उसमें ऐसा रैंप होना चाहिए कि डायरेक्ट व्हीलचेयर ऊपर चला जाए उसका लेवल। अच्छा, वो कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सी साइड आएगा, या तो एंड इस साइड है वो कंपार्टमेंट आपकी बार या उस साइड है, इट्स नॉट फिक्स। और कोई स्पेशल अनाउंसमेंट भी नहीं होता कि ये इस साइड पे होगा या उस साइड, एंड
डेफिनेटली इट इज इजियर फॉर अस टू रन. शाहरुख खान और काजोल के लिए बहुत इजी है कि वो प्लेटफॉर्म पे दौड़ के हाथ पकड़ेंगे, पर या कंसिडरिंग पीपल हु आर डिसेबल्ड उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और मोस्टली इस दुविधा की वजह से वो ट्रेन में ट्रैवल करने से डरते होंगे. डेफिनेटली मुझे शायद सालों हो गए मैं बाई रेल तो जाती नहीं, व्हील चेयर ही अवेलेबल नहीं होगी, मुझे अपनी कैरी करके ले जाना है. जब मुझे अपनी कैरी करके ले जाना है फिर मुझे चढ़ने में मुझे दो कुल्ली को बुलाना पड़ेगा कि भाई हेल्प मी आउट, या मुझे कोई उठा कर. अच्छा उसके बाद जो उसमें टॉयलेट्स है वो आप देखिए, वो भी अगर जाके देखेंगे तो जैसे फर्स्ट क्लास की टिकट वगैरह उसमें आपको कैसी फैसिलिटीज मिलती, तो वो तो ये इसमें तो मिलती नहीं है जो स्पेशल डिजेबल का बनाया. हर कोई क्रचिस से नहीं जाने वाला, क्रचिस से जाएगा तो बेचारा स्लिप हो जाएगा, वो इतना डर्टी होता है. हाँ मूविंग है. अगर ये सफाई अभियान है तो सफाई अभियान वहाँ पे भी होना चाहिए ना. सही बात है, क्लीनलीनेस इज अ राइट. और उसमें इसमें गवर्नमेंट का नहीं, इसमें जनरल पब्लिक का है ना, कि जनरल पब्लिक को ये सेंस नहीं है, उनको ये पता है. अच्छा जनरल पब्लिक जो उसमें चढ़ी है उसको पता है ना कि ये डीजेबल का डब्बा है, तो वो क्यों चढ़ते हैं उसपे. मतलब सब अपना अपना संभाल रहे हैं बाकी किसी और. दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी जिस तरीके से हमने. नहीं हम तो सोचते है. हम तो सोचते हैं क्यों, तो हम चले जाते हैं ना जहाँ उनकी जगह, हम तो सोचते हैं भाई हमारा डिजेबल का अलग है हाँ. तो चलो हम इसको यूज करें हाँ. पर नॉर्मल पब्लिक ऐसा नहीं सोचती है हाँ. कि चलो ये डिजेबल को ऐसी प्रॉब्लम होगी. द इंस्पिरेशन टू कंटिन्यू ऑन FM 95 रेडियो 1. Angels on Wheels. Angels on Wheels on FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. Our conversations continue with Pooja Sanghvi, founder director of FA International. आपको कभी ऐसा लगा है कि बीइंग अ वुमन आपको कभी डिस्क्रिमिनेट किया गया हो किसी चीज में? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगेन आई विल से कि आप खुद सोचते हैं मैं वुमन हूँ. मैं तो यही सोचती हूँ ह्यूमन बीइंग है. उसमें क्या है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं फीमेल हूँ मैं ये नहीं कर सकती तो आप नहीं कर सकती, पर मैं ऐसा सोचूंगी भाई सामने वाला कर सकता है, वो अगर कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकती, फिर वो मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज सो राइट. कोई एक मैसेज आप देना चाहें अभी लोगों को, एक्सेसिबिलिटी पर हमने बात करी आज के शो में, तो ऐसा एक मैसेज जो जनरल पब्लिक को आप देना चाहें. मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे इस रविवार को आपके वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के. एंड आई होप कि वो लोग आए, बिकॉज ये सिर्फ मैं आशा रख सकता हूँ लोगों से, क्योंकि उम्मीद है रहती है लोगों के साथ में. वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम वन अनदर एंड दी एक्सपेक्टेशंस विल नेवर डाई. पर अगर आप अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहें लोगों को तो क्या होगा? बस जैसे मैं अपना काम एसेसिबिलिटी पे करती हूँ तो मैं यही कन्वे करूंगी कि ऐसे मत सोचिए कि मुझे इनके लिए करना है ये एनवायरमेंट, इन लोगों के लिए एसेसिबल करना, ऐसा मत सोचिए. ये सोचिए मुझे अपने लिए ये एसेसिबल करना है, क्योंकि शायद आपके घर में ऐसा कोई नहीं है, पर कल को आप बूढ़े होंगे, सपोज आप कहीं गिर जाते, और आपको भी अच्छा लगेगा कि अगर जो सोसाइटी में एक ऐसा से क्लास जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, तो अगर आप उसको एसेसिबल कर देंगे तो हमसे ज्यादा तो आप खुश होंगे. yes. क्योंकि हम तो हमारी लाइफ स्ट्रगल करके जी रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी विद इट, कि स्ट्रगल करके भी वी आर एट अ सम पॉइंट कि जहाँ हमको अपनी लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं है. तो बस इतना ही है कि आप सिर्फ दो जगह, कहते ना वो सलमान खान का मूवी आई थी तीन लोगों को हेल्प करना, मैं ऐसा कहती हूँ आप सिर्फ दो जगह अपने आसपास की ऐसी सिर्फ दो जगह सिलेक्ट करिए, आपके घर से शुरू करिए. अगर दो जगह भी आप एसेसिबल करते हैं तो इट विल बी अ गिफ्ट फॉर अस, फॉर होल सोसाइटी इट विल बी अ गिफ्ट. फिर शायद हमको गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा. सही बात है, सही बात है. दैट इज सो नाइस, सच एन इंस्पिरेशन मैसेज कमिंग फ्रॉम मिसेस पूजा संघवी, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फा इंटरनेशनल एनजीओ, जो डिसेबल लोगों के लिए एक्सेसिबल जगह बनाने की मुहिम चला रहे हैं. एंड डेफिनेटली वी विल गो डाउन देयर ऑन अ संडे, वी विल सेलिब्रेट एन अमेजिंग टाइम विद ऑल आवर फ्रेंड्स हु आर differently able, let's not call them disabled. आप सुन रहे हैं FM 95 Radio 1, मेरा नाम है आयुष. थैंक यू सो मच पूजा जी कि आप हमारे स्टूडियो पे आए, इतनी तकलीफ आपको उठानी पड़ी, एक्सट्रीमली सॉरी. नहीं नहीं, थैंक्स टू यू कि मैं आपके जरिए ये पूरा मैसेज कन्वे कर पाई. सही में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि मैं लोगों को कन्वे कर पाई कि हमारी क्या नीड्स है, और उनका ध्यान ड्रॉ कर पाई कि हाँ भाई पे एन अटेंशन ऑन दैट ऑल्सो. थैंक्स टू यू.